मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज का एक प्रतिनिधिमंडल डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने चिंता देवी नाम की एक दलित महिला के साथ गत 19 सितंबर को गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने व जाति सूचक शब्द कहने का प्रयोग कर गाली गलौज करने के मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। डीएसपी हितेश लखनपाल को सौंपी शिकायत में पीड़ित महिला चिंता देवी ने गांव के कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ बेवजह मारपीट कर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता चिंता देवी के साथ आए ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल के साथ आए राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने चिंता देवी के साथ की गई मारपीट व अभद्र व्यवहार के मामले को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संदर्भ में सुरेश कुमार ने बताया कि DSP हितेश लखनपाल ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। जो बागा चुनौती में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है कि आज 21वीं सदी में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो हम प्रशासन से, पुलिस से और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये जो केस है इस केस में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और ये जो गरीब लोग हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए। सर 19 तारीख को हम काम कर रहे थे, अपना स्लैब था मेरा और वो रात बताए हमारे तो ये काम के लिए जिस ने और पर से और गाड़ी लाया और कानों को और हमारी जो जमीन को एक करने का था वो मैंने अपना वो जमीन निकली हमारी जहाँ पे हम मकान बना रहे थे वो निकली हमारी। फिर वो चले गए कानों को पटवारी और 1-1.5 बजे चले गए और उनके बाद वो बगते रहे हम को और गाली दी जो फिर उन चले गए और उनमें हमारे ऊपर मारपीट भी की और गालियाँ दी और मेरे कपड़े भी फाड़े और बहुत कुछ किया हंगामा हमारे ऊपर। फिर हमें पहले बोलती रही उनको भाई ऐसा नहीं करो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही थी मैं आज मेरा काम होने दो, फिर कल से आपने जो करना वो कल के ऊपर करना। फिर उनने बोला फिर मुझे भाई इनको ऊपर क्यों बोले और कुछ गाली दी टैगनी रान बोल नीचे तो उन्होंने उसको बोले उसको खत्म कर दो अभी जान की मारने की धमकी भी दी और बहुत पूछे और बहुत आदमी थे वहाँ पे। फिर उन्होंने मारपीट की और मेरे कपड़े फाड़े बहुत ज्यादा 60 आदमी थे हमारे साथ। पर मेरे को ऐसा पता नहीं है भाई, ऐसा मैं घर बना रही थी पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उनको ये वो चाहते ये यहाँ से होने चाहिए ना चाहिए मकान बनाना ना कुछ नहीं होना चाहिए उनका, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं।